जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करो, बहाल करो। जम्मू कश्मीर को गुमराह करना बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो। कश्मीर के नाम पर देश को गुमराह करना बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो। कश्मीर के नाम पर देश को गुमराह करना बंद करो, प्रक्रिया बहाल करो, बहाल करो। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करो, बहाल करो। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो। जम्मू बहाल करो। कश्मीर के नाम पर देश को गुमराह करना बंद करो, बंद करो। कश्मीर के नाम पर देश को गुमराह करना बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब जो मतदाता सूची है नई, उसमें तकरीबन 7.25 लोग जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। ऐसे में अब विपक्ष यहां पर सवाल उठा रहा है, आखिरकार ये 7.25 लाख वोटर कहां के हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, और चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा है कि जो आपने 7.25 लाख लोगों को ऐड किया है, क्या वो जम्मू कश्मीर के हैं या फिर बाहर के। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिस तरीके से न्यू वोटर लिस्ट की बात सामने आई, 7.25 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं, विपक्ष क्यों चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है। देखिए, बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों की ये मांग थी कि जम्मू कश्मीर की आवाम को ही मतदाता बनने का अधिकार होना चाहिए। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों के मतदान का अधिकार का भी हनन हो, कोई भी गैर स्थानीय यहाँ पर आकर वोट सूची के अंदर उसका नाम आए, यहाँ का मतदाता बने। देखिए, पहले दावे किए जाते थे 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख, उसके बाद तमाम हम ऑल पार्टियों ने मिलकर धरने प्रदर्शन किए। आज भी जो है यहां पर 7.5 लाख से ऊपर जम्मू कश्मीर के मतदाता सूची के अंदर नए नाम दर्ज किए गए के हैं, तो आप विरोध कर। बिल्कुल, हम पूछना चाहते हैं, चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि उसकी सूची की पूरा ब्यौरा हमें दिया जाए, कितने लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के से हैं, जो पहली बार वोटर बने हैं, अगर वो लोग हैं, अगर वो POJK हैं, अगर वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो कई वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो लोग हैं जिनके सहारे जो है BJP अपनी सत्ता की लालसा का पूरा करना चाहती है, यानी वो लोग हैं जो गैर स्थानीय लोग हैं, कल यहाँ पर ट्रेन से उतरे और आज उनको अगर मतदाता बना दिया गया है, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुनाव आयोग के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, और सूची से जब तक उनका नाम नहीं कटता, हम लगातार सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन। आम तौर पर आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं, और यहाँ पे जो मांग है वो इन लोगों की जा रही है कि जल्द से जल्द जो चुनाव आयोग है वो एक ब्यौरा दे कि आखिरकार ये 7.25 लाख लोग जो है वो कहाँ के हैं, क्या वो बाहरी तो नहीं है, या फिर अगर जम्मू कश्मीर के हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। वहीं इन अपोजिशन पार्टीज की तरफ से ये भी कहा है कि जल्द से जल्द सरकार जो है यहाँ पर चुनाव करवाए। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।